नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ में आया हूं एक नई फोन की स्पेसिफिकेशन के साथ में, और भी कुछ सारे फीचर्स और प्राइसिंग को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। जिस फोन का नाम है Huawei Nova 3, काफी पॉपुलर सीरीज है, नोवा सीरीज का ये फोन है और अभी ये चाइना में लॉन्च हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज ये फोन लॉन्च हो चुका है चाइना में। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ गई है और ये प्री ऑर्डर के लिए भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन नजर डालें, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि ये किस टाइप का फोन है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन है जो कि काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। इसमें बैक और फ्रंट जो डिजाइन है काफी ग्लॉसी है और जो थिकनेस है फ़ोन की वो भी काफ़ी कम है। ये 7.3 mm थिकनेस के साथ में ये आता है और इसका वेट भी काफ़ी लाइट है, 166 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ ध्यान दें तो इसमें जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंचेस का IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है। इसकी जो PPI है वो 409 PPI के साथ में ये आता है। और अगर हम आस्पेक्ट रेशियो की इसकी बात करें तो इसमें 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये फोन आता है। अगर हम इसकी पिक्सल्स की बात करें तो 2340x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में ये फोन आता है। तो नोवा 3 काफी मतलब टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि 3E ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है और आप इसको खरीद भी सकते हैं। कई सारी ग्लोबल जो शिपमेंट करती हैं वेबसाइट्स, वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Huawei ने अपना ही इन हाउस प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। मैं इस फोन को Huawei Nova 3 भी बुलाऊंगा क्योंकि इंडिया में हम लोग इसको Huawei बोलते हैं, बहुत सारे लोग Huawei प्रोनंसिएट करते हैं, और अगर हम प्रॉपर इंग्लिश में इसको बोलें तो Huawei, इसको हम Nova 3 भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसर है वो इनका इन हाउस प्रोसेसर है जिसको हम बोलते हैं हाई सिलिकन चिप। तो इसमें 10 नैनोमीटर वाली हाई सिलिकन चिप के साथ में ये प्रोसेसर आता है जिसका नाम है हाई सिलिकन किरिन 970, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और इस ये ऑक्टा कोर 2.4 GHz के साथ में आता है। इसमें हमको 4 कोर लो पावर की हैं, 4 कोर हाई परफॉर्मेंस वाली कोर हमको इसमें मिलती हैं जो कि 2.4 GHz के साथ में आती है। वो हाई परफॉर्मेंस वाली कोर्स हैं और लो पावर जो कोर्स हैं वो 1.8 GHz के साथ में आती है। कि कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दें तो इसमें हमको ये 4 कैमरे के साथ में ये फ़ोन आता है, जिसमें कि हमको 2 कैमरा बैक में और 2 कैमरा फ्रंट पे मिलते हैं। जो बैक कैमरा है वो AI बेस्ड कैमरे हैं दोनों ही, और काफ़ी मतलब एक ऑप्टिमाइज फॉर्म में ये कैमरे हैं। मैं आपको इसका नंबर बता, पिक्सल के साथ में ये आते हैं। जो पहला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल के साथ में आता है और दूसरा कैमरा जो आता है वो 24 मेगापिक्सल के साथ में आता है। दोनों ही f1.9 एपिचर को सपोर्ट करते हैं और अगर हम इसकी बात करें तो ये 2K वीडियोज़ को सपोर्ट करता है। कैमरा तो इसमें वर्टिकल प्लेसिंग है कैमरे की, और वहीं अगर हम कैमरे के राइट साइड में देखें मिडिल में, तो हमको एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी इसमें 2 कैमरे के साथ में ये फ़ोन आता है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें LED फ्लैश इन्होंने नहीं दिया हुआ फ्रंट पे, ये विदाउट LED फ्लैश के साथ में आता है। तो ये जो कैमरा है फ्रंट कैमरा, वो डिस्प्ले के सबसे ऊपर पे है जहाँ पे फ़ोन की नोच बनी हुई है। ये फ़ोन नोच वाले डिस्प्ले के साथ में आता है, छोटी सी नोच है ऊपर पे, और राइट और लेफ्ट माइक के राइट और लेफ्ट में आपको दोनों कैमरे देखने को मिलेंगे। तो कैमरा जो नंबर है वो 24 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल f2.0 एपिचर के साथ में ये फ़ोन आता है, और आप इसके थ्रू फेस अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये फेस अनलॉक फीचर के साथ में ये फ़ोन आता है। और फीचर पे नज़र डालें तो इसमें हमको जो वेरिएंट मिलता है वो 6GB 128GB के साथ में ये मिलता है। अगर हम इसकी रैम की बात करें तो जो 6GB वाली रैम है वो 1833 मेगाहर्ट्ज़ के साथ में आती है, जो कि LPDDR4X को सपोर्ट करता है। और अगर हम स्टोरेज देखें तो स्टोरेज इसमें 128GB ही है, और जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 256GB तक, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। आप 256GB तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम लोग नहीं करते हैं क्योंकि 128GB सफिशियंट होता है। 128GB पहले तो हम लोगों को 16GB वाले फ़ोन देखने को मिलते थे, अभी तो 128GB हमको देखने को मिल रहा, तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हमको निकल के यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसकी बैक देखें और फ्रंट देखें तो बैक पे हमको ग्लास की फिनिश मिलती है और अंदर से एल्यूमिनियम बॉडी है, और वहीं फ्रंट पे हमको पूरा एक ग्लास का बॉडी मिलता है जो कि काफ़ी वाइड है। आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि 19.5:9 रेशियो के साथ में आता है, तो एज टू एज पूरा इन्होंने उसमें मार्क किया हुआ है। अगर हम इसकी सॉफ्टवेयर पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है तो EMUI 8.2 बेस्ड इसमें
ओरियो 8.1 को सपोर्ट करता है। तो आपको मालूम होगा कि इसकी ये EMUI इसकी कस्टम UI है Huawei की, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इसमें आपको कई सारे इमोजीज, कई सारे फीचर्स, कई सारे प्री लोडेड ऐप्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भी अगर हम थोड़ा सा इसकी फीचर्स की ओर ध्यान दें, तो इसमें जो सिम है वो डुअल सिम के साथ में ये फ़ोन आता है, दोनों ही हाइब्रिड सिम है। या तो आप इसमें माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं एक सिम में, और दूसरे सिम में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं और 4G LTE का मज़ा ले सकते हैं। तो इसमें 4G LTE जो कैटेगरी को सपोर्ट करता है वो कैटेगरी 18 को करता है, 1 Gbps/221 Mbps डाउनलोड और अपलोड को। और भी अगर हम फीचर देखें तो इसमें हमको ब्लूटूथ 4.2 डुअल बैंड वाईफाई और USB टाइप सी का सपोर्ट मिलता है। टाइप सी इसमें बॉटम में मिडिल पे है, उसके राइट में हमको स्पीकर मिलता है, और लेफ्ट साइड को हमको देखने को मिलता है एक 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलता है हमको। बैटरी की बात करें तो हमको इसमें बैटरी मिलती है लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और 18 वॉट के चार्जर के साथ में हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है, और जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 3750 mAh की लिथियम पॉलीमर जो बैटरी है। और अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, उनमें से काफ़ी पॉपुलर और हमको जिसकी रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम होती है उसको बोलते हैं हम जायरोस्कोप, वो भी इसमें अवेलेबल है। ये फ़ोन आपको 4 कलर में अवेलेबल हो जाएगा, पर्पल, ब्लू, ब्लैक और गोल्ड कलर। लेकिन ये इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये चाइना में लॉन्च हुआ है। 18 जुलाई से इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी ये प्री ऑर्डर पे ये फ़ोन इन्होंने रखा हुआ है। काफ़ी स्लिम डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन वाइज हम इस फ़ोन को देखें तो काफ़ी स्लिम है। 7.3 mm ये थिकनेस इसकी है, और काफ़ी लाइट वेट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 6.3 इंचेस का इसमें डिस्प्ले हमको मिल रहा है, और 166 ग्राम ओनली इसका वेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और इसकी प्राइसिंग आपको बताता हूँ। तो पहले मैं प्राइसिंग को डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो प्राइसिंग सामने निकल के आ रही है वो 2400 चाइनीज़ युआन नोवा 3 प्राइस निकल के आ रही है, और इसको US डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग ये आ रहा है 359 US डॉलर, और अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में देखें तो दोस्तों ये आ रहा है मात्र 24,600 रुपीज़। तो काफ़ी एक अच्छे फीचर्स के साथ में ये फ़ोन आ रहा है, काफ़ी प्रीमियम इसमें फ़ीचर्स हैं, प्रोसेसर है, कैमरा है, रैम है, और बैटरी इसमें काफ़ी पावरफुल इसमें बैटरी हमको देखने को मिल रही है, और मात्र ये आपको मिल रहा है 24,600 का, जो चाइनीज़ प्राइस इसका भी देखने को मिल रहा है। तो ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटर निकलता है OnePlus 6 और Asus ZenFone का, जो 5Z अभी लॉन्च हुआ था, तो इन दोनों फ़ोन का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर निकलता है, और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में हमको ये फ़ोन मिल रहा है। हाई परफॉर्मेंस है, 10 nm की टेक्नोलॉजी वाली इसमें चिप यूज़ हुई है। तो देखते हैं कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट रखी हुई है, और जो इंडियन मार्केट है वो इसी प्राइसिंग में काफ़ी हद तक जाता है, क्योंकि हमको 34,000-35,000 या 30,000 rupees पे करने पड़ रहे हैं लगभग ऐसी स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो अगर ये इंडिया में इस प्राइस में लॉन्च होते तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, प्रीमियम सेगमेंट का है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि अगर ये इंडिया में लॉन्च होता तो किस प्राइसिंग में लॉन्च होना चाहिए, आप इसको खरीदोगे तो कितनी प्राइस में आप इसको खरीदना चाहोगे। तो मैंने जितनी इसकी स्पेसिफिकेशंस को एनालाइज करा तो मुझे तो ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा प्राइसिंग वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज। लेकिन थोड़ा सा एक इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा, थोड़ा कमी जिसको मैं बोल सकता हूँ, मतलब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, तो इसमें खाली ब्लूटूथ इन्होंने 4.2 दिया हुआ, 5.0 देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसमें जो नोवा 3 है, Huawei नोवा 3, तो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट सामने निकल के आता है। तो दोस्तों ये सारी थी Huawei नोवा 3 की स्पेसिफिकेशन। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताने कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।